जैसा कि आपने कहा कि लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही है, एस्केलेट हो रही है, इसराइल की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि हर 30 सेकंड में इसराइल की तरफ से एक मिसाइल दागी जा रही है गाज़ा पे। कुछ रिपोर्ट्स का ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि वाइट फॉस्फोरस जैसे केमिकल्स से लेस जो बम हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा तबाही है इस वक्त गाज़ा में। एक दूसरी रिपोर्ट जो हमने देखी आज सुबह, उसके मुताबिक शनिवार से आज तक, जब इसराइल ने हमले शुरू किए थे तब से लेके आज तक 4000 टन गोला बारूद गाज़ा पट्टी पे दागा जा चुका है इस वक्त। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। लड़ाई अभी जारी है, इसराइल की तरफ से लगातार वार्निंग्स आ रही हैं और अब उनका कहना है कि जो भी गाज़ा में है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के लोग हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो आम लोग हों, उनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप निकल जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा इसराइल का कहना है। और जो वहाँ पे लोग हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, उनके मुताबिक 24 घंटे में लोगों को यहाँ से निकालना असंभव है, क्योंकि निकालने के कोई रास्ते नहीं हैं। हम इस बात बारे में चर्चा करते आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि साथ ही एग्ज़िट पॉइंट्स हैं ज़मीन के रास्ते गाज़ा से निकलने के लिए, जिसमें से 6 इसराइल ने सील कर दिए हैं। सातवां है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि इजिप्ट में खुलता है, और इजिप्ट ने कहा है हम मदद देने के लिए तैयार हैं, हम एड देने के लिए तैयार हैं, पर हमें शरणार्थी नहीं चाहिए। इजिप्ट का अपना चुनाव आने वाला है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं पॉलिटिकली ये सिचुएशन। हालांकि अमेरिका की बातचीत इजिप्ट से, कायरो से जारी है, उनको इस पे रजामंदी उनकी लेने के लिए कि लोगों को गाज़ा से निकाला जा सके। सो इस वक्त काफ़ी काफ़ी नाजुक है गाज़ा में हालात।